चाहिए वाले चिकन डिनर इफ यू आस्क, और वही यहां पर लेने की कोशिश रहेगी सोमराज। एक ऑफ एंगल पर बैठे हुए हैं पैरा बॉय, एसयूजी के एक प्लेयर को पिक करते नजर जरूर आएंगे। आप डजेवियर के ऊपर पूरी फाइट यहां पर नोवा ले सकती है। हमारे डिफेंडिंग चैंपियंस अभी भी जीवित है नोवा के प्लेयर्स, एंड अगर सर्कल की बात करें गॉडलाइक के पास एक बेहतरीन जोन जैसे आपने कहा, एंड साथ ही साथ यहाँ पे अग्रेसिव भी जा रहे क्लच गॉड मेकिंग श्योर यहाँ पे टिम्बर नॉकआउट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम कालसी किसी भी मोमेंट यहाँ पे कवर फायर देने की कोशिश करेंगे, बट जिस तरीके से स्मोक्स यहाँ पे डाल दिया गया है बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बट गॉड लाइक एक ब्रीदिंग चांस, एक आखिरी चांस, एक कॉन्सोलेशन चिकन डिनर लेने का मौका, कैन दे डू इट? That's the question. Can they do it or will they be able to do it? क्योंकि जो competition है अभी भी उसी level की fierce competition में नजर आ रही है। हालांकि SUG के Kelsey को देखिए, उनको सोमराज definitely देख रहे होंगे and देखा भी है और pick भी किया है यहाँ पर, knock instant finish। ये player इस समय खुखार रूप में आया है, लेट आया उस चीज का गुस्सा ऐसा लग रहा है। सोमराज यहाँ पर निकालते नजर जरूर आ रहे हैं, बट वहीं पर नोवा के प्लेयर्स भी फाइट ले जरूर रहे हैं। क्लच गॉट डजेवियर के डक को यहाँ पर पिक करते जरूर नजर आएंगे। फ्रैंकी के ऊपर थोड़े बहुत स्प्रेस दिए जा रहे थे, किंग डक को यहाँ पर फिनिश करेंगे। सी गॉड नोवा के किंग को लेकर के जाते हुए, ये गॉडलाइक ही तो चाहिए थी। क्लच गॉड डजेवियर के प्लेयर्स के ऊपर कहर बन के टूटते हुए, गॉडलाइक अभी भी सरवाइव कर रहे हैं विद द मैन एडवांटेज। इट्स द फाइनल गेम राइट नाउ और S2G का भी सफाया हो जाएगा। 4-3 गॉडलाइक वर्सेस नोवा, दिस इज व्हाट वी वुड हैव वांटेड टू सी एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इन द फाइनल गेम ऑन द फाइनल सर्कल ऑन द फाइनल डे ऑफ PMGC। जी हाँ, बट इस पॉइंट पे अगर बात करें सिचुएशन की, नेक्स्ट शिफ्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एंड इनफैक्ट नोवा के एक प्लेयर नॉक भी हो चुके हैं। गॉडलाइक की पोजीशनिंग काफी बेहतरीन जिस मोमेंट पे यहाँ पे खड़े हैं फिलहाल के लिए सोमराज, एक अच्छा ब्लैक एंगल होल्ड करके रखे ही थे। एक और प्लेयर यहाँ पे इनफैक्ट किंग नॉक आउट हो चुके हैं प्ले जोन से, बट पैरा बॉय आउट ऑफ नोवेयर मैनेजेस टू टेक अ नॉक ऑन क्लच गॉड, बट जल्द से जल्द रिवाइव मिल जाएगा। एक 4v2 सिचुएशन के अंदर पैरा बॉय एंड जिमी के ऊपर, बट जोनाथन मैनेजेस टू गेट द नॉक। जिमी अकेले प्लेयर यहां पर बचे हुए हैं, पूरा भार उन पर आता है, बट वहीं पर जोनाथन आगे जा रहे हैं। जोनाथन वांट्स टू मूव फॉरवर्ड, ही वांट्स टू स्टील इट आउट फ्रॉम नोवा, और वो आराम से स्टील कर भी सकते हैं। अगर हम लोग बात करें जिमी की, अगर पोजीशनिंग की बात करी जाए, दे हैव अ गुड पोजीशनिंग फॉर देमसेल्व्स, लेकिन प्लेयर एडवांटेज तो गॉडलाइक के ही पास यहां पर बंद करके बैठा है। जोनाथन को देखिए कितना ज्यादा आगे यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। स्मोक उनके हाथ में, उनके पास वेपन डेफिनेटली होना चाहिए, वेपन निकालेंगे। M4 उनके पास दिख जरूर रही है। जिमी रिवाइवल पर यहां पर जा जरूर रहे हैं, बट जोनाथन अगेन स्टिल वेटिंग। ये एक वेटिंग गेम बन चुका है। सोमराज बिल्कुल आगे जाएंगे बगी लेकर के, ये बगी है चार्ज इन, क्या ये वार्निंग बन जाती है? I mean, if it's a warning, it's a final warning because it's a final fight right now. और सोमराज वो बस वेट कर रहे हैं कि कब प्लेयर उनके सामने आएगा। जिमी को देखिए नेड कुक कर रहे हैं इस समय। Yes. But is that worth it? क्योंकि जो जोन है वो उनको लेकर के जा चुका है पीछे। अब नोवा अंदर सिमट चुकी है इस सर्कल में। यहाँ पे जिस तरीके से एक यू नो हाइड एंड सीक का गेम देखे तो मिल रहा है दूसरे एंगल्स पर। देखिए नोवा कहाँ से आ रही है बाहर निकल के, व्हाट लेकिन जोन का डैमेज पड़ रहा है, खुद ही खुद से खत्म यहाँ पर होते नजर आएंगे। फाइनली एक विनर।